आप हमारे चैनल में पहले आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन को दबाइए, और अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू। आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोड्डा वासियों को रेलगाड़ी में चढ़ने का सपना साकार होने जा रहा है। कब से चलेगी आखिर तक जरूर सुनेगा, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाजडिया गोड्डा नई रेल लाइन में हाजडिया से पोड़ीहाट तक रेलगाड़ी चढ़ने का सपना अगस्त महीने में पूरा होने वाला है। अगस्त में मुख्य सुरक्षा आयोग CRS हाजडिया से पोड़ीहाट के बीच 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाकर नए ट्रैक के जांच करेंगे। अगस्त में तय CRS को लेकर अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है। मालदा डिवीजन और भागलपुर के अधिकारी प्रतिदिन हाजडिया पहुंचकर कार्य की समीक्षा कर रहा है। हाजडिया से गोड्डा के बीच 32 किलोमीटर में 16 किलोमीटर तक का काम पूरा हो चुका है। हाजडिया के स्टेशन प्रबंधक अमर कुमार के अनुसार अगस्त में CRS के लिए सभी तैयारी पूरा कर ली गई है। CRS रिपोर्ट के बाद हाजडिया से पोड़ीहाट के बीच रेलगाड़ी चलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को CRS के लिए निर्धारित किया गया है। 30 जुलाई तक अधूरे कार्य को पूरा करने के लेकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर हलदार कुमार और PWI RK सिंह ने हाजडिया से पोड़ीहाट के बीच ट्रॉली में बैठकर नई रेल लाइन का निरीक्षण किया। बुधवार को पूर्व रेलवे मुख्यालय से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हाजडिया पहुंचकर नई रेल लाइन का निरीक्षण किया। थैंक यू।